राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग श्रवण करो, लाभ उठाओ। साल में एक बार फतेहाबाद के केंद्र पर सत्संग का अवसर मिलता है। यहाँ की संगत की सहूलियत के लिए ये दिन निश्चित कर रखा है कि साल में एक बार यहाँ पर सत्संग हो। उससे जो आदमी दूर दराज के केंद्र पर नहीं पहुंच सकते, यहाँ सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अभी 2 तारीख का ही सत्संग था, सालाना भंडारा था वो भी, लेकिन देखा गया कि इस साइड की संगत वहां नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इस असमंजस में थे कि सत्संग होगा नहीं होगा। प्रेमियों के टेलीफोन आते रहे, पूछते रहे, बता दिया जाता है, फिर भी सब लोगों तक समाचार नहीं पहुंचता। परंतु सत्संग जहां भी मिल जाता है, अगर हम जिज्ञासु हैं तो अपनी सत्संग की तृष्णा को वहां तृप्त कर सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है, सत्संग के लिए चाव होना भी चाहिए, क्योंकि दुनियादारी के नित्य प्रति के जो काम हम करते हैं वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन वो काम हमारे इस जीवन में, इस शरीर के लिए, शरीर की खुशी के लिए ही कर पाते हैं। लेकिन सबसे परम आवश्यक कार्य है कि जन्म जन्मांतर से जो हमने कर्म इकट्ठे किए हुए हैं, उन कर्मों का कर्ज हमारे सिर पर है, जिसको हम उतारना नहीं जानते कि उस कर्ज को कैसे चुकता करें। सत्संग रूह के लिए काम करता है, उस कर्ज से हमें स्वतंत्र कराता है, और फिर इस संसार में दुखों में, माया और काल के चक्कर में नहीं आने देता। लेकिन शर्त है उसके लिए, जैसे कबीर साहब ने कहा है कि जाऊं जाऊं सब कहें मोहे अंदेशा और, सतगुरु के चीने बिना जाओगे किस ठोर। जाने जाने की तो सब आवाज लगाते हैं, भक्ति का दम भरते हैं, नाम का ढिंढोरा पीटते हैं, ध्यान स्मरण भजन का भी नाम जिक्र लेते हैं, खूब करते हैं, लेकिन अंदेशे वाली बात यह है कि जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता तो उस ठिकाने पर पहुंचने का काम बड़ा कठिन है। लेकिन जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है
नाम का भेद उसको समझा देते हैं, दुनियादारी के झमेले की रीत में जो फंसे हुए थे उनसे हम बरी करवा देते हैं, और सत्य के रास्ते पर चलना जब हम सीख जाते हैं तो धीरे धीरे वो दुनियादारी के बंधन कम होते चले जाते हैं और हमें वो सदा के लिए जो सुख मिलना चाहिए वो मिलता है। ये रूह को शांति मिलती है, जो दुखी है आज से नहीं सदियों से। कहने को हम कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, कोई पुस्तक की लेखी कहते हैं, कोई किसी की सुनी हुई कहते हैं, कोई किसी की बात को इधर उधर से सीख के कह देते हैं, लेकिन वो ज्ञान अधूरा है। जो वास्तविक ज्ञान है वो हमारे अंदर में ही है, बार कहीं नहीं है। और उस वास्तविक ज्ञान को ग्रहण कैसे किया जाएगा, उसके लिए सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया है। सतगुरु ने जो हमें भेद बताया है उपदेश के द्वारा, नाम के द्वारा, समय समय पर चेताते रहते हैं, और जो अभ्यास करने वाले हैं उनको अंतर में सतगुरु दर्शन देके सौपन की अवस्था में, ध्यान में शिष्य की मदद करते हैं। अगर वो भटक जाते हैं तो उनको रास्ते पर लाने के लिए या बिना कुछ उनको बताए, बिना उसकी तरफ इशारा किए, सत्संग के माध्यम से ही, उपदेश के माध्यम से जीवों को चेता देते हैं। इसीलिए जब सत्संग सुनते हैं और सत्संग के बाद जब सत्संगियों से सुनते हैं तो काफ़ी लोग आके कहते हैं, ये सत्संग तो मेरे ऊपर दिया गया था या ये बातें मेरे लिए कही गई थी। लेकिन प्रेमियों, एक के लिए नहीं होती। सत्संग कहते भी उसी को हैं कि जितनी भी संगत आई हुई होती है और जिस जिस जीव की जो जो जिज्ञासा है या उसके दिल में जो भी भरम है, उस सत्संग में जिज्ञासा पूरी हो जाती है, भरम उसके निकल जाते हैं और खोजी को रास्ता मिल जाता है। सच्चे खोजी जब बन के चलोगे तो आपके लिए वही उपदेश, वही सत्संग दीपक का काम करेगा, ज्ञान का काम करेगा, और रास्ता दिखाता है, आपके अंधकार को मिटाता है। अंधकार कब मिटता है? जब हम उसे लेने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन झूठी मान बढ़ाई इस जीव को दो चीज बहुत प्यारी लगती हैं। अगर उन दो चीजों से बच जाए तो ज्ञान सहज में हो जाता है। आदमी को अभिमान हो जाता है, वो अहंकार में आ जाता है। जब अहंकार आता है या अभिमान जिसको हो जाता है, चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों न चढ़ा हुआ, गिरते हुए देर नहीं लगती। अभी कबीर साहब की वाणी थी और उस वाणी में क्या कहा, कितनी अच्छी बात चेतावनी की है। उसमें चेतावनी क्या है कि जो अभिमानी जीव है उनका अभिमान तोड़ने के लिए, अहंकारियों का अहंकार मिटाने के लिए और सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए उनको ये कहते हैं कि अगर तुम्हें सच्चे रास्ते पर चलना है तो मैं कुछ लोगों की बात बताऊंगा, उस रास्ते को तुम भी अपना के उन्हीं की नाई, उन्हीं की भांति काम करते हुए तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर हम झूठी बातें बनाते हैं तो कबीर साहब उसको कहते हैं कि बात बनाई जग ठगया, मन परमोद्या ना, कहे कबीर ले गया ये मन लक्ष 84 माँ। कि हम बात बनाते हैं, बात क्यों बनाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। दिखाना किस लिए चाहते हैं, कि हमें मान बढ़ाई इज्जत मिले। और ये मान बढ़ाई जब किसी को मिलनी शुरू हो जाती है तो संतों ने तो ये कहा है कि भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा यही है। अगर भक्ति के रास्ते में तुम कामयाबी चाहते हो तो बचो इस बीमारी से।
जब तुम्हें कुछ कहा जाता है, जब तुम्हें इज्जत मान मिलना शुरू हो जाता है, या जब ऐसी चीजें तुम्हारे पास फटकने भी शुरू हो जाती हैं, तो समझो कि हमारी गिरावट का समय आ गया है। उन चीजों की ओर हमें तवज्जो ना देके जो हमें मान इज्जत मिलता है वो गुरु को ही मानना चाहिए, क्योंकि ये दौलत हमें कहाँ से मिली है? गुरु से मिली है। गुरु अगर हमें ज्ञान नहीं देता तो हम तो बहे जाते थे दुनियादारी के झमेले में, और बचना बड़ा कठिन था। लेकिन गुरु महाराज ने हम पर कृपा बख्शी, दया करके मौज फरमाई, वो ज्ञान दिया, भेद दिया, भले और बुरे का अंतर समझाया, रूह के लिए जो काम करना चाहिए था उस काम करने के लिए हमें प्रेरित किया, रास्ता दिखाया। तो गुरु से बढ़ के हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। इसीलिए तो सहजो भाई ने इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में गुरु और परमात्मा की तुलना करते हुए कह दिया कि मुझे परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो जो कुछ मिला है गुरु से मिला है, परमात्मा का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने निश्चित रूप से पैदा कर दिया हमें, कोई शक नहीं है, सब कुछ उसने बख्शा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उसने हमारे साथ धोखा क्या किया कि सब कुछ करने के बाद भी अपने आप को छिपा के बैठ गया, वो हमें दिखाई नहीं देता है, दुख दर्द में हमारी बात नहीं पूछता है, सुख के समय हम गाफिल वैसे ही होते हैं। लेकिन एक गुरु का दर ऐसा है कि सुख में, दुख में, भले में, बुरे में, और जब कभी भी आवश्यकता होती है तो गुरु हमारी संभाल करता है। जिस हालत में भी जहां हम उसको देखना चाहेंगे, स्थूल रूप में देखना चाहो तो देह रूप में वो विराजमान है। अगर आप अभ्यासी हो और अंतर में आपने प्रवेश कर लिया है गुरु के बताए मार्ग पर चल के, तो आपको नूरी गुरु हमेशा अंतर में दर्शन देके आपकी जो भी इच्छा है वो सब पूर्ति करते रहते हैं। लेकिन दुनियादारी के लोगों की तो इच्छाएं होती क्या है, दुनियादारी की चीजें ही होती हैं, स्वार्थ से बाहर नहीं निकल पाते। हम मांगने के लिए हमारे पास होता ही क्या है, क्योंकि हमारी चाह सिर्फ शरीर तक है, इंद्रियों के सुख तक, सुखों की है। इस जीवन में हम अगर सुख चाहते हैं, शारीरिक सुख चाहते हैं, तो उस सुख की बजाय आत्मा आनंद के लिए हमें कुछ नहीं मिलता, और ना ही आत्मा आनंद के लिए हम इच्छा करते हैं। आत्मा आनंद के लिए तो संतों के सत्संग से और उपदेश से ही प्राप्त होता है। लेकिन उस चीज से वंचित होके अगर हम झूठी बात बनाते हैं या दंभ भरते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो पा लिया, तो सब झूठी बात है। कबीर साहब कहता है, दीवाने क्या गावे घर दूर। दीवाने कहता है, दीवाने तो दीवानगी जिसको भी लग जाती है वो दीवानगी है। दीवानगी किसी चीज की भी लगो, किसी को खाने के स्वाद की दीवानगी होती है, किसी को गाने की दीवानगी होती है, किसी को संसार के और किसी पदार्थ की दीवानगी जिसको लग जाती है, कोई ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए दीवाना हो जाता है, कोई आईपीएस आईएएस के लिए दीवाना होकर पढ़ाई करता है, कोई डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस के लिए दीवाना होकर रात दिन जगता है, भूख प्यास को छोड़ देता है, दीवानगी है। लेकिन हम दीवानगी संतों ने किसको कहा, उसको दीवाना कहा है कि जो प्रभु के रंग में रच जाता है, और उसके लिए जिसमें दीवानगी आ जाती है उसको ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना उठने की, ना बैठने की। कबीर साहब ने क्या कहा कि दुनिया खुशी में रहती है, वो खाती है, पीती है, सोती है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो दुखिया हूं, मुझे सुख नहीं है कोई भी, मैं तो जागता हूं, रोता हूं, ना मुझे खाने की परवाह, ना सोने की परवाह, लेकिन मैं जागता और रोता हूं किस लिए, कि मुझे दीवानगी उस नाम की है। इसलिए कबीर साहब का चेतावनी भी है और एक मूर्ख आदियों पर ताना भी है, और इसी में उनकी शिक्षा का एक गहरा उपदेश भी है। वो कहते हैं कि दीवाने क्या गाता है तू, गाने का मतलब जो हम जबान से कहते हैं, किसी भी रूप में कहते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, कि क्या गाते हो, वो घर बहुत दूर है। कौन सा घर, जिस घर में, जिस घर से हमारी रूह बिछड़ के आई थी।
जिसमें जाने के बाद इसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये प्रभु के चरणों में जब जाके समा जाती है तो उसी प्रकार से हो जाती है जिस प्रकार से बूंद जाके सिंधु में वापिस मिल जाती है। ये रूह अगर कहो तो उसी भंडार की अंश तो है, लेकिन इस रूह को ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से बहते हुए पानी से तुमने एक लोटा पानी का निकाल लिया। पानी चाहे दरिया का है चाहे नदी का है, उसमें से निकलने के बाद में वो नदी और दरिया का पानी नहीं है। पानी को अलग से अहंकार हो गया कि मैं लोटे का पानी हूं, मैं कुएं का पानी हूं या बाल्टी और टोकनी का पानी हूं। पानी तो वही पानी है, उसका अंशी तो वही था, लेकिन क्योंकि उससे अलग होने के बाद अलग अस्तित्व मान के उसको एक अलग से ही अभिमान हुआ कि मैं उस चीज का पानी हूं। लेकिन उसी को अगर उसके में वापिस मिला जाते हैं तो उसको ढूंढने से भी वापिस नहीं मिलता है। इसी प्रकार से ये रूह भी वहां से बिछुड़ने के बाद इस माया के देश में आके अपने कर्म करने से ये इसी प्रकार से इसको ये अहंकार हो गया, ये अपने आप को अलग से मानती है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे दीवाने भी नहीं हैं कि जिनको हम दीवाने कहें जाओ, उन दीवानों के घर अगर पूछोगे जिन्होंने प्रभु के नाम के लिए दीवानगी लगाई। इसी में पूरी आध्यात्मिकता छिपी हुई है, इसी में करनी करने का तरीका भी छिपा हुआ है। और उसमें सबसे पहले किसका नाम ले दिया, गोपीचंद का नाम मैं लेके कहता हूं। उस शब्द में तो कोई भी रहा होगा, पहली जो बात कही इसमें आगे पीछे की कोई बात नहीं। वो कहते गोपीचंद भर्तरी राजा सिर में डारी धूल। उस गोपीचंद को खुद को दीवानगी नहीं थी, उसकी माँ ने दीवानगी दिला दी। उसकी माँ ने दीवानगी क्यों दिला दी, जिसने उस सत्य को पहचान लिया वो चाहता है कि पूरा संसार उसी रंग में रंग जाए। उसकी माँ ने देखा कि उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी, उसकी देख कंचन जैसी थी, बहुत सुंदर था, लेकिन देखते देखते ये पांच तत्व का पुतला ही तो है। हमारा शरीर पांच तत्वों से निर्मित है, जल अग्नि वायु पृथ्वी और आकाश, थोड़ा थोड़ा ये अंश है इनमें। सथूल रूप में देखते हैं तो पृथ्वी बहुत बड़ी है, जल के समुद्र भरे हुए हैं, अग्नि इसी प्रकार से छिपी हुई है, लेकिन प्रकट करने पे ही होती है वो अग्नि छिपी हुई है, हर चीज में है वो। और वायु एक भी जगह खाली नहीं है, जहां कहीं भी देखोगे वायु उसमें भरी हुई है। इसी प्रकार से इंसान भी इन पांचों और आकाश तत्व है, इन पांचों तत्वों से ये निर्मित है। लेकिन किसी को कोई रूप मिला, किसी को कोई रूप मिला, किसी को कोई रंग मिला, किसी को कोई रंग मिला, सब में ज्ञान बराबर नहीं, समझ बराबर नहीं। ये मूर्तियां बनाई गई अलग अलग रंग अलग अलग रूप की हैं। लेकिन जब उसकी माँ ने अपने पुत्र को भी अपने पिता के समान सुंदर देखा तो उसके शरीर को देख के कहने लगी, बेटा मैं नहीं चाहती कि तेरा हाल भी वही हो जो तेरे पिता का हुआ है। और उसको दीवानगी लगा दी उन्होंने, उसकी माँ ने कहा कि तुझे साधु बनाऊंगी। पितृ भगत था, मातृ भगत था। आज के जमाने में जो हम कमी देखते हैं आजकल के बच्चों में, वो हमारी कमी के कारण ऐसा होता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाना, हमारे घर परिवार में वो अच्छी बातें बच्चों को नहीं दे पाते। आज के जमाने में जिस चीज की दौड़ धूप लगी हुई है वही चीजें हम बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। ज्ञान समझ विवेक की बात नहीं, बल्कि उनको एक रोटी और एक व्यवसाय के लिए ही सिर्फ तैयार करते हैं। चाहे स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कोई भी पढ़ाई करो, उनको व्यवसाय के लिए नौकरी पढ़ाई चाहिए। जो संस्कार है, जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो नहीं देते उनको। और उस ज्ञान की कमी के कारण वो असली रास्ते से भटक जाते हैं, और उसके भटकाव के कारण संसार के जो मैले कर्तव्य हैं उनमें फंस जाते हैं, नशे विषय और विकारों में फंस जाते हैं, शराब कबाब खाते हैं, उनकी जरूरतें ज्यादा बढ़ जाती हैं, प्रतिस्पर्धा के कारण एक दूसरे को चीजों की जरूरत ज्यादा पड़ती है, उनकी पूर्ति नहीं कर पाते तो गलत रास्ते अपनाते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं तो गलत काम करने पड़ते हैं। तो वहां जरूरत पड़ती है कि जिसमें संस्कार होंगे वो अपने थोड़े से संतोष करेगा। संतों की शिक्षा है, वो कहते हैं कि संतोष रूपी धन जिसके पास आ जाता है उसको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। जब संतोष आ गया वो संतोष उसी में संतुष्ट हो जाता है जो उसको है। संतों ने तो इतनी मांग की है कि मुझे जो है इतना ही देना परमात्मा, जिससे मेरे कुटुंब का लालन पालन हो जाए,
कोई अतिथि आ जाए तो भूखा ना जाए, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, मुझे दो शेर आटा चाहिए, थोड़ा घी चाहिए, नमक मेरे चाहिए, उसी से मेरी भूख की पूर्ति हो जाएगी, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा करते हैं, हाल नहीं देखते इन लोगों को, तृष्णा रूपी बीमारी लग जाती है, वासनाओं के गुलाम बन जाते हैं, इच्छाओं के समुद्र में डुबकी लगाते हैं, कहीं भी रुकते नहीं है, चाहे किसी भी तरह से आओ, गलत तरीके से आओ, चोरी से आओ, कपट से आओ, बेईमानी से आओ, उसका इकट्ठा कर करके क्या कर लेते हैं, बैंकों में रखते हैं, घरों में रखते हैं, किसी को देते हैं, कोई लेके मुकर जाता है, देता नहीं है, किसी कारोबार में लगाओगे तो डूब जाता है, क्योंकि पैसा तो ईमानदारी का नहीं था वो, अगर वैसे भी उसको रख के छोड़ दिया तो धरा धरा रह जाएगा, इकट्ठा करने वाला चला जाता है, उस पैसे का और धन का क्या किया उसने। जग में आके हमने तन पाला या पेट पाला, किया भी क्या, प्रभु की भक्ति के बिना हम ऐसे ही गए संसार से, लेकिन समझते फिर भी नहीं है लोग, क्यों नहीं समझते हैं कि वो ज्ञान के रास्ते पे चले नहीं। लेकिन वो माँ बाप असली माँ बाप है जो अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, बच्चों को धन की जरूरत नहीं, धन मत दो उनको इकट्ठा करके, उनको अच्छे संस्कार दो, जिसको संस्कार दे दोगे अपना काम करके वो अपना गुजरान कर लेगा, लेकिन जिसको तुमने संस्कार नहीं दिया, धन कितना भी दे दोगे बर्बाद वैसे भी कर देगा, क्योंकि इस प्रकार का जो धन होता है उसको गलत रास्ते पर चलाता है, निठल्ला कर देता है, निर्बल दुर्बल कर देता है, उसको उदासीन बना देता है, वो अपनी मेहनत और कमाई पर इतबार और विश्वास नहीं करता है। लेकिन बात गोपी चंद की थी, उसकी माँ ने उसको वो संस्कार वो दिए, उसने मोह के बंधन में नहीं बांधा, उसको बेटा बना के ये नहीं कहा कि बेटा तू घर से बाहर ना जा, महल से बाहर ना जा, तुझे दुश्मन मार देंगे या तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं, उसको जीते जी खत्म करने के लिए उसने ठान लिया, अमर करने के लिए। अमर कौन हो जाता है, जो कभी पैदा नहीं होता वो अमर हो जाता है, जन्मता है, जन्मता तो है, लेकिन जो जन्म जाता है वो मरता भी है, लेकिन संतों का चेता है हुआ जीव, अगर वो मरता है ना उसके बाद वो जन्मता नहीं है, क्यों नहीं, कि उनको भेद दे दिया गया है, हमें वासना नहीं रहती है कोई भी, संसार में मुड़ मुड़ के वो लोग दोबारा से आया करते हैं जिसका इन संसार में वासना रह जाती है, वासना का बीज संत होम देते हैं, और जिस चीज का बीज होम दिया जाता है वो पुनर्जन्म नहीं होता, वो पैदा नहीं होता। कहने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे इस शरीर को अमर करूंगा, कहने लगी तेरा मामा है, मैं उसको बोलूंगी। राजा भर्तरी से कहा कि वो भी राजा था लेकिन उसने राजपाट को त्याग दिया, महलों के सुख आराम को त्याग दिया, और वो एक बहुत बड़ा योगी है, मैं उसको बोलूंगी, उससे तुझे योग दिलाऊंगी। घर गृहस्थ, राजपाट, रानी, संतान, धन दौलत, महलों के सुख आराम को छोड़, और तुझे मैं योग दिलाऊंगी। योग दिलाती है उसको, अपने भाई को जाके कहती है कि मेरे लड़के को योग दे, इसको शिष्य बना। भर्तरी समझाता है कि क्यों इसको योगी बनाती है, राज काज करने दो, ये राज के संभालने वाला है, राजपुत्र है, बहुत कष्ट होंगे, ये जीवन बड़ा कठिन है, आसान नहीं है, इसमें दीवाना बनना पड़ता है। वो दीवानगी की बात जो कही कि इतनी दीवानगी जब होगी तब इसमें ये कामयाब हो सकता है, ये राजकुमार है, इसको रहने दे, महलों में रहने वाला ये कठिन जीवन नहीं बिता सकता। लेकिन माँ का हुक्म था, वो कहता है कि हाँ मैं बिताऊंगा। भर्तरी ने उसको जोग दे दिया, और जोग देने के बाद जब उसने सब चीजों का त्याग कर दिया, रूखी सूखी रोटियां खाता है, तन पर कपड़ा नहीं है, पूरी साधना करता है, भूख प्यास की उसको कोई भी जरूरत नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, सब चीजों से वो अपने आप को अलग करके, स्वतंत्र करके और मस्त हालत में जब हो जाता है, तो उसका मामा कहता है कि चलो देखता हूं तू योगी हुआ है कि नहीं, कि तू उसी राज में जा जहां तू राज करता था, और वहां से भीख लेके आ। अब भीख लेने के लिए जाता है, थोड़े दिन योग लिए हुए थे, जिसके पास जाता है सब जानते हमारा राजा था, राजकुमार था,